तो बच्चों, जेई मेंस 2024 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के तीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं, जो जेई मेंस 2024 में अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया है। तीनों क्वेश्चन एक ही फार्मूले पे लगेंगे, उनका सबका बेसिक फार्मूला एक ही है, बस उनके लगाने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं, आज जो डिस्कशन करते हैं वो क्या है कि हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जो हमें फार्मूले याद करने वाले हैं वो कौन कौन से फार्मूले याद करने वाले हैं। तो पहला जो हमें फार्मूला याद करने वाला है करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि K इक्वल टू 2.303 अपान में टी लॉग ए नाट अपान में ए टी। एक ये फार्मूला जो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा यूज करने को मिलेगा, एक ये वाला यूज करेंगे। दूसरा के इक्वल टू 0.693 अपान में टी हाफ, एक ये फार्मूला जो देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा हमें। ये दो फार्मूले हैं जो हमें केमिकल काइनेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज करने को मिलेगा, या फिर इसी को चाहो तो आप दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं। टाइम के फॉर्म में लिखना चाहो तो टाइम के फॉर्म में लिख लोगे टी इक्वल टू 2.303 के लॉग ए नाट अपान में ए टी। तो ये जो है ये फार्मूला एक, और एक दूसरा टी हाफ का, ये जो है बहुत ज़्यादा यूज करने को मिलेगा। या तीसरा आप बनाना चाहो तो इसको बना सकते हो रेट इक्वल टू के ए टू द पावर वन। ये तीन फार्मूले हैं जो हम बेसिकली देखेंगे हर क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का, इन तीन फार्मूले से हमारा लग जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम पहले अपने क्वेश्चन पे। हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि अगर आर इक्वल टू के लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है मतलब रेट इक्वल टू के और ए, यानी कि ये हमें किस ऑर्डर का दे रहा है, फर्स्ट ऑर्डर का दे रहा है। बोला नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन हमें रेट लाइक एक्सप्रेशन से हमें ये दिख रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। ठीक है, 50% ऑफ ए इज डिकम्पोज 120 मिनट। 50% कितने मिनट में डिकम्पोज हो रहा है, 120 मिनट में डिकम्पोज हो रहा है। तो टाइम टेकन फॉर 90% डिकम्पोजिशन ऑफ ए, कितना मिनट में 90% डिकम्पोज होगा। तो बस हम के इक्वल टू फार्मूला लगा देते हैं, के इक्वल टू 2.303 अपान में टी हाफ लॉग ए नाट हम लोग ले लेते हैं 100% और ए टी हमारा कितना हो जाएगा 50%। 50% डिकम्पोज हुआ है, बचा कितना 50%, ए टी जो हमारा होता है वो बचा हुआ होता है, हमेशा ए टी हम क्या लगाएंगे बचा हुआ, तो इसको कट करेंगे तो ये हो गया 2। तो यानी कि हमारा के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ रही है 2.303, टी हाफ की वैल्यू हमारा दिया हुआ है 120 लॉग 2, ये हो गया। दूसरा इसके लिए अगर हम देखेंगे तो के इक्वल टू 2.303 अपान में टी 90 लॉग 100 अपान में 10, 90% खत्म हो चुका है तो बचा कितना 10, तो इसको कट करेंगे तो लॉग 10 और लॉग 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो यानी कि यहाँ के इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.303 अपान में टी 90, ये आ जाएगा। अब ये दोनों क्या हैं, दोनों सेम रिएक्शन के हैं, तो दोनों सेम रिएक्शन के हैं तो दोनों के के की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। क्यों, क्यों के की वैल्यू हम सेम कर रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये सेम एक ही रिएक्शन के लिए, तो एक ही रिएक्शन का रेट कांस्टेंट हमेशा सेम रहेगा। अब इन दोनों के के वैल्यू को हम बराबर कर देते हैं, ये हमारा 1 है ये हमारा 2 है, 1 और 2 को बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2.303 अपान में 120 इंटू 0.3 बराबर कर देंगे 2.303 अपान में टी 90, और हमें टी 90 का टाइम चाहिए, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो टी 90 इक्वल टू कितना आ जाएगा 120 अपान में 0.3। इसको करेंगे तो ये डेसिमल लगा देंगे, ये 3 से कट करेंगे तो हमारा जो आंसर आ रहा है अप्रॉक्सीमेट पे 400 आ रहा है, यानी कि जो 90% डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगेगा तो 400 मिनट लगेगा। ठीक है, तो
तो होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेम इसी वाले फार्मूले पे आपको ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना। ये देखिए क्वेश्चन नंबर टू, ये जेई मेन्स 2024 के अप्रैल के 6 अप्रैल को आया था मॉर्निंग वाले सेशन में। ये देखिए क्या बोला, टाइम रिक्वायर फॉर 99% डिकम्पोज होने में, कितना टाइम लगेगा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, टाइम रिक्वायर फॉर कंप्लीशन ऑफ 90%, 90% जितना टाइम में खत्म होगा उसका कितना टाइम्स लगेगा 99.9% खत्म होने में। सेम काम करना है, K इक्वल टू 2.303 अपान में टी 99.9% लॉग 100 अपान में बचा कितना 0.1। तो इसको लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा K इक्वल टू 2.303 अपान में टी 99.9% इंटू लॉग 1000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लॉग 1000 की वैल्यू हो जाएगी 3। इसको हम लिख सकते हैं ना लॉग 10^3 और 3 कर देंगे तो 3 लॉग क्या हो जाएगा 10, और लॉग 10 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1, तो ये आ जाएगा 3। तो हमारा ये आला एक एक्सप्रेशन ये आ गया। दूसरा के इक्वल टू क्या हो जाएगा 99% के लिए, सॉरी 90% के लिए क्या होगा 2.303 अपान में टी 90 लॉग 100 अपान में 10, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये लॉग 10 आ जाएगा, लॉग 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो यहाँ पे हमारा के इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 टी 90 इंटू 1 करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये हमारा 2 है, ये हमारा 1 है, इन दोनों में के की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट कांस्टेंट हमेशा सेम रहेगा। इन दोनों की वैल्यू को हम बराबर कर देते हैं, जैसे ही बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा के इक्वल टू 2.303 अपान में टी 99.9% इंटू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 अपान में टी 90, तो 2.2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो टी 99.9% इक्वल टू क्या होगा, इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 399.9% का जो टाइम होगा वो क्या होगा 3 इंटू टी 90, यानी कि 3 टाइम्स आएगा किसका टी 90s। तो देख रहे हैं आप, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत आपको 4 नंबर फ्री के दे के जाने वाले हैं। बस अगर आपको ढंग से फार्मूला याद है फर्स्ट ऑर्डर के तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए, क्या दिया हुआ, टाइम रिक्वायर फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कितना टाइम्स होगा टी हाफ का। यहाँ पे 90% का पूछा था, यहाँ पे टी हाफ का पूछा था। तो एक तो आप याद कर लीजिए कि 99% जो होता है वो 10 टी हाफ के बराबर होता है। कैसे आता है तो आप इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, इक्वल टू क्या आ रहा था 2.303 अपॉन में के, सॉरी अपॉन में टी 99.9% इक्वल टू लॉग 100 अपॉन में बचा कितना 0.1। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये के इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.303 अपॉन में टी 99.9 इंटू लॉग 1000 और लॉग 1000 की वैल्यू होती है 3। तो के इक्वल टू आ जाएगा 2.303 अपान में टी 99.9, मतलब 99.99% हो जाने में कितना टाइम लगा होगा इंटू 3। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.303 टी हाफ इंटू लॉग 100 अपान में 50। टी हाफ जो होता है हमेशा 80 जो हम लिखते हैं ना वो हमेशा बचा हुआ टाइम, बचा हुआ कंसंट्रेशन को लिखते हैं, तो बचा हुआ कंसंट्रेशन 50 हो जाएगा, 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे के इक्वल टू क्या आ रहा है 2.303 अपान में टी हाफ इंटू लॉग 2। ठीक, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये 2 है, ये 1 है, दोनों को एक साथ कर देते हैं तो ये हो गया 2.303 अपान में टी 99.9 इंटू 3 इक्वल टू, ये हो गया 2.303 अपान में टी हाफ इंटू लॉग 2, ये कैंसिल हो जाएगा
टी 99.9% इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर कर देते हैं, बाकी सबको इधर कर देते हैं, तो टी हाफ इंटू थ्री अपान में लॉग टू, ठीक है। तो टी 99.9% इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री टी हाफ अपान में लॉग टू की वैल्यू होती है 0.3, तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 30, और ये हो जाएगा 3, तो 3 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 10, यानी कि 10 टी हाफ आ रहा है हमारा आंसर। तो यानी कि जो होगा टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 टाइम्स ऑफ द हाफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। देख रहे हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको चाहो तो बहुत ईजिली कर सकते हो। तो होप सो आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।